जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तजीक आमेज हैं। मैं बतौर एक जिम्मेवार हुकूमती रुकन के अपने आप को किसी सूरत ऐसे बयान को कि ओनरशिप लेने तो दूर की बात है, इसकी मुजम्मत करता हूं। वेलकम बैक जी अचकजई साहब। जी मैं आपने सवाल किया था कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। जी जी, ये अगस्त का महीना है। देखें, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि यहां अंग्रेज आया था, उसने हमें बेहतरीन जुडिशरी का निज़ाम दिया, बेहतरीन रेलवे का निज़ाम दिया, बेहतरीन तालीम का निज़ाम दिया, बेहतरीन सड़कें दी, कम्युनिकेशन दिया, और उसी तालीम के निज़ाम के प्रोडक्ट्स मोहम्मद अली जना साहब थे, नेहरू साहब थे, बड़े बड़े मुसव्विर, बड़े बड़े मुजस्मसाज, ये टैगोर भाई, रवींद्रनाथ टैगोर वगैरह थे। फिर गांधी जी, मेरे मोहम्मद अली जना साहब, हम लोगों ने क्यों अंग्रेज़ को भगाया? इसलिए हमने आज़ादी उनसे ली कि हम हक हुकुमरानी चाहते थे। इस हक हुकुमरानी में आप बलूच के हक हुकुमरानी का हिस्सा दें कि वो अपने वतन में अल्लाह पाक ने जो उसकी नामतें साइल और वसाइल हैं उस पे उसके बच्चों का हक कॉन्स्टिट्यूशनली मुकदम कर लें। यही हक सिंध को उसके साइल और वसाइल पे दे दें, यही हक पश्तूनों को, फाटा को अपने इलाके में दे दें, पाकिस्तान क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। देख, हम ये लोग तो इस पर किसी को कोई इतराज़ की हुकुमरानी और इतराज़ तो अभी तक है। 1947 पाकिस्तान बना है। परसों अखबार की खबर थी कि तमाम बलूचिस्तान के बलोच इलाके का मसला न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, फाका मस्ती की वजह से। परसों न्यूज में मजमून है, 47 को पाकिस्तान बना है। नाउ इस 2016 हम सब भूल जाएंगे। मैं बलूचों को मेहनत करके चला जाऊंगा, मैं पश्तून के पास जाऊंगा, फाटा के पास। तो निजामी साहब, ये तो अचकजई साहब का सही है मौका कि भाई जिधर वसाइल है पहले उन पर खर्च करो।